अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सो ये हमारा लास्ट डे है करबला के अंदर और हमारी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग और चीज़ें रह गई हैं वो हम करने जा रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। बैग कितने लेने हैं? इस शॉप से हम कल कपड़े लेकर गए थे सारे और फातिमा जो है उसका ट्राउजर छोटा निकल आया है, हम वो चेंज कराने आए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बैग है हमने नया खरीदा है और इसमें हमने पूरा सामान भरा है। उधर दिखाने का बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और हमने चीज़ें ज़्यादा लेनी थी। स्ट्रॉलर्स लिए, सॉक्स लिए, बैग्स लिए, उसके बाद तस्बीहां ली, फिर जूते लिए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हैं। पूरा बैग भर के उधर से हम लेकर आए हैं और अब जो है ना हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। कुछ सामान वगैरह जो है वो हमने पैक कर लिया, अभी कुछ बाकी करेंगे। सो अब जो है वो खाने का टाइम हो गया तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। सो ये हमारी लास्ट नाइट है और हम लोग बैनुल हरमैन में हैं और मौला हुसैन के हरम में जा रहे हैं और फातिमा लोगों की तस्वीरें बनाते हुए। हमने बाहर पिक्चर्स वगैरह बनवाई हैं और वह थोड़ी देर बाद प्रिंट मिलेंगी, तो अभी हम मौला हुसैन के हरम में सलाम करने आए हैं क्योंकि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी हम सलाम करके जाएंगे। ये हमारा आखिरी सलाम है मौला को और पता नहीं फिर कब हमारा बुलावा आएगा और हम आएंगे ज़्यारत के लिए, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। आप देख सकते हैं फातिमा जवेद ऑफिशियल जो हैं वो हरम में ये करने आती हैं, लम्बी डली हुई हैं और फ़ोन यूज़ कर रही हैं। बीच वाला काफ़ी ज़्यादा व्लॉग जो है वो मैं शूट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि जो कंपनी जिसके थ्रू हम गए हुए थे उनके पास हमारे पासपोर्ट्स थे और वो लाते लाते बहुत टाइम हो गया और जिसकी वजह से हमने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी थी। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा दिन जो है हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग हुए और इस तरह हम सामान रख कर फिर अगली फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। माली जो है वो फ्लाइट मिस हो चुकी है और हम जो है वो सड़कों पे रुल रहे हैं, सामान हमारा ये पड़ा है और हम ये सड़क पे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या बनने वाला। ये मेरी हालत और आंखों से आपको पता चल रहा होगा कितने थक चुके हैं और क्या हालत हो चुकी है इस टाइम पर। शुक्र है जो भी हुआ उसी रात को हमें दोबारा फ्लाइट मिली और हम लोग रात को 8:30 दोबारा से सब प्रोसेस करके दिए।